नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने लॉरेंस बिश्नोई को किया गिरफ्तार। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत मामला किया दर्ज। जालंधर में इनकम टैक्स की ओर से नामी ज्वेलर्स के शोरूम में की गई रेड। अघोषित संपत्ति मिलने की उम्मीद। बठिंडा के बस स्टैंड के नजदीक हुए कत्लकांड में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल असला किया बरामद। और अब हलचल विस्तार से। पंजाब पुलिस की हिरासत में लंबे समय से चल रहे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही हुई है, जिसके चलते गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने गिरफ्तार कर लिया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब 25 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉरेंस बिश्नोई को पेश किया जाएगा। आतंकी कनेक्शन को लेकर NIA लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करेगी, जिसके चलते जल्द ही बिश्नोई को दिल्ली लाया जा सकता है। जालंधर में इनकम टैक्स की ओर से नामी ज्वेलर्स के शोरूम पर दबिश दी गई। मिली जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स की टीम ने जिमखाना क्लब के सामने शहर के नामी निक्कामल ज्वेलर्स, मणिराम बलवंत राय और सरदारी लाल ज्वेलर्स के परिसरों पर छापेमारी की है। टीम ने इनके व्यापारिक प्रतिष्ठान, रिहायशी ठिकानों एवं कार्यालयों पर दबिश दी। इस दौरान आयकर अधिकारी कारोबारियों के रिकॉर्ड व स्टाफ की जांच कर रहे हैं। कई दस्तावेजों को आगे की जांच के लिए कब्जे में लिया गया है। वहीं रेड के संबंध में अभी अधिकारी कुछ भी जानकारी देने से इनकार कर रहे हैं। उनका तर्क है कि जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि कितनी अघोषित संपत्ति सामने आई है। IT विभाग की टीम दस्तावेज खंगालने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि IT विभाग की टीम ने 5 जगहों पर दबिश दी है। अधिकारियों का कहना है कि इस रेड में लुधियाना के अलावा जालंधर, चंडीगढ़ और अन्य शहरों से आए अधिकारी भी भाग ले रहे हैं। वहीं इस दौरान पुलिस का भी पुख्ता प्रबंध किया गया है। वहीं किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। इस रेड में विभाग को काफी अघोषित संपत्ति मिलने की उम्मीद है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। बठिंडा के बस स्टैंड के नजदीक हुए कत्ल के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को असले सहित काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना सिविल लाइन के SHO ने बताया कि 18 नवंबर को बठिंडा के बस स्टैंड के नजदीक एक महिला का कत्ल किया गया था, जिसमें पुलिस द्वारा कत्ल करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिससे पूछताछ में पता चला कि वारदात में उसने जो असला इस्तेमाल किया था उसका लाइसेंस उसके पास नहीं है। वह असला उसके एक दोस्त का है, जिसके बाद पुलिस ने उक्त आरोपी के दोस्त को इस मामले में नामजद कर उसे भी गिरफ्तार कर लिया है और वारदात में इस्तेमाल किया गया असला भी बरामद कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपी पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी। 18 तारीख की शाम को बस स्टैंड अड्डे के सामने एक कतल होया सी, जिस दे विच एक दोषी ने एक औरत का मर्डर करता सी फायर नाल। उस तो बाद वो दोषी नूं आपां अरैसट कर लिया सी, जिस दे संबंध विच असला सीगा वो गुरप्रेम नाम का लड़का सी, जिस तो असला लैके आया सी, उसनूं भी सिविल लाइन पुलिस अरैसट करन च कामयाब हुई है। दिड़बा के गांव हरिगढ़ के 27 वर्षीय नौजवान दीपेंद्र सिंह उर्फ रूबी की कनाडा के विनीपेग शहर में घटित हुए सड़क हादसे में मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक गत दिनों दीपेंद्र सिंह विनीपेग में एक ट्राले में बैठकर कहीं जा रहा था। इस दौरान सड़क पर बर्फ और धुंध होने के कारण गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया, जिस कारण गाड़ी डिवाइडर में जा लगी, जिस कारण दीपेंद्र सिंह की मौत हो गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए दीपेंद्र के रिश्तेदारों ने बताया कि 8 महीने पहले ही दीपेंद्र अपने गांव की PR लड़की के साथ विवाह करवाकर वहां गया था और वहां पर वह PR हो गया था। वहीं दीपेंद्र की मौत के बाद गांव में शोक की लहर है और उसका सारा परिवार सदमे में है। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि दीपेंद्र की मृतक देह कब तक गांव पहुंचेगी, इसलिए उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द दीपेंद्र की मृतक देह कनाडा से पंजाब लाई जाए ताकि वे उसका अंतिम संस्कार कर सकें। दिड़बा से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। गया सी गया जी, पिछले साल इहदा मैरिज हुई सी 3 फरवरी 2021 नूं, ते ओह तों बाद इहदी फाइल लगी PR होके इत्थों 9 मार्च 2022 नूं इत्थों गया है। ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ,
ਚਲੋ 6 ਵਜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਹ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੜ ਕੇ ਟਰਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਚਲ 2 ਘੰਟੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਹਲਕੇ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਸਲਿੱਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਟਰਾਲਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਛੋਟਾ ਟਰਾਲਾ ਸਲਿੱਪ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀ 'ਚ ਵੱਜਿਆ, ਪੁਲੀ ਤੋਂ ਵੱਜ ਕੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੂਜੀ ਲੇਨ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਟਰਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ। नाभा ब्लॉक के गांव कैदूपुर के मौजूदा सरपंच दीदार सिंह की ओर से पटियाला भाखड़ा नहर में छलांग लगाकर गत दिनों जीवन लीला समाप्त कर ली गई थी। वहीं मृतक सरपंच के रिश्तेदारों द्वारा आरोप लगाया गया है कि पटियाला पंचायती विभाग के सचिव और जेई द्वारा सरपंच से खाली चेक पर साइन करवाकर पैसे निकलवा लिए गए और फिर बाद में इनकी ओर से सरपंच को धमकियां दी गई, जिस कारण उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता तब तक वे मृतक का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। मेरा नाम धर्मजीत सिंह है जी, मैं ददार सिंह सरपंच का भाई हाँ जी। कल जी अणहोनी हो गई जी, वह नहर च साल मार गए, महकमा उन्होंने कई दिन का बहुत परेशान कर रहा थी। किस कारण करके नहर च छाल मारी? उन्होंने महकमा पता नहीं जी की ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਜੀ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ ਜੀ। ਕਾਰਨਾਂ ਜੀ ਇਹੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਾਫੀ ਕੱਟਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਦਾ ਚੱਕਰ ਉਹ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਉਹ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਏ ਜੀ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਗਾਹਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। डीजीपी गौरव यादव द्वारा गन कल्चर को प्रमोट करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। वहीं देहात पुलिस ने गन कल्चर को प्रमोट करने को लेकर स्वयंभू नेता अभिषेक बख्शी उर्फ अभी पर भी कार्यवाही कर दी है। अक्सर शहर में धरनों में शामिल रहने वाले अभिषेक बख्शी खुद गन कल्चर को प्रमोट करने के मामले में विवादों में घिर गए हैं। अभिषेक बख्शी ने सोशल मीडिया पर गन कल्चर को प्रमोट करने की फोटो अपलोड की थी, जिसके तहत अभिषेक बख्शी के खिलाफ पुलिस ने धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं अभिषेक बख्शी की सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वे नशे का सेवन कर रहे हैं, जिसकी जांच भी पुलिस की ओर से की जा रही है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। इस वेले की अहम खबर, जलंधर के अभिषेक बख्शी नाम के शख्स के उपर गन कल्चर नूं प्रमोट करने के चलते FIR दर्ज हुई है। दस दी कि सोशल मीडिया के उपर अभिषेक बख्शी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव ने ते उन्हां दे वल्लों कुछ अजिहियां वीडियोज़ पोस्ट कीतियां गईयां, जिस दे विच हथियारां दी नुमाइश करते हुए दिखाई दिते। इसे दे चलदे जलंधर पुलिस दे वल्लों यह एक्शन लिया गया, धारा 188 दे तहत मामला दर्ज कर लिया गया। दस दी कि पूरे पंजाब दे विच गन कल्चर दे खिलाफ पंजाब पुलिस दे वल्लों एक्शन लिया जा रहा है। जो लोग हथियारां वालियां फोटोज़ या वीडियोज़ सोशल मीडिया से पोस्ट करते हैं उन्होंने उपर भी कार्रवाई की जा रही है। इसे दे चलते अज अभिषेक बख्शी के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। गन कल्चर नूं प्रमोट करन दे चलदे उन्हां दे खिलाफ FIR दर्ज की गई है, धारा 188 लगाई गई है। दस दी कि सोशल मीडिया के उपर अजिहियां कुछ तस्वीर पोस्ट की गई, जिस दे विच उन्हां दे हाथ च हथियार दिखाई दिता। एक वीडियो दे विच अफीम का सेवन करते हुए भी वह दिखाई दिते, जिस दे चलदे पुलिस दे वल्लों यह मामला दर्ज किया गया है। अगे की जाँच की जा रही है, इन वीडियोज़ की भी जाँच अगे की जा रही है। दस दी कि लगातार पंजाब पुलिस एक्शन मोड दे विच नज़र आ रही है। FIR दर्ज हो चुकी है, तो पुलिस ने अगली जाँच हुण अभिषेक बख्शी के खिलाफ शुरू कर दी है। काफ़ी ज़्यादा फेमस ने अभिषेक बख्शी, जलंधर के सोशल मीडिया से भी फेमस ने, कई जगह के उपर समाज सेवा करते हुए भी दिखाई देंगे ने। तो उस अभिषेक बख्शी दियां ये तस्वीर जदों वायरल हुई तो पुलिस के वलों यह एक्शन लिया गया। इस वेले की अहम खबर, जलंधर के अभिषेक बख्शी नाम के शख्स के उपर गन कल्चर नूं प्रमोट करन दे चलते FIR दर्ज हुई है। दस दी कि सोशल मीडिया के उपर अभिषेक बख्शी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव ने
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਧਾਰਾ 188 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬਖਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਧਾਰਾ 188 ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀ ਗਈ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਾ ਕਾਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਉਸੇ ਸਲਾਖੋ ਕੇ ਪੀਛੇ ਭੇਜਾ ਜਾਏ। ਜਿਸਕੇ ਤਹਿਤ ਨਾਭਾ ਬਲਾਕ ਕੇ ਗਾਂਵ ਰੋਹਟੀ ਛੰਨਾ ਮੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੋ ਕੇ ਘਰੋਂ ਮੇ ਰੇਡ ਕੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੇਡ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ। ਤੋ ਵਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਾ ਕਾਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਾ ਧੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੋੜ ਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਨਾਭਾ ਕੀ SHO ਪ੍ਰਿਆਂਸ਼ੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਕੀ ਔਰ ਸੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪਰ ਇਨਕੇ ਘਰੋਂ ਕੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਹੇ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਾ ਕਾਮ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਪਕੜਾ ਗਿਆ ਤੋ ਉਸਕੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਭਾ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਰਾਹੁਲ ਖੁਰਾਨਾ ਕੀ। 5:30 ਵਜੇ ਰੇਡ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਰੋਟੀ ਪੁਲ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਰੋਟੀ ਛੰਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਆ ਅਸੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁਛ ਮਿਲੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਖਤਾਈ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਵਿਕਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਨ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਮਤਲਬ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। सुधीर सूरी के देहांत के बाद उनके भाई ब्रिज मोहन सूरी ने पार्किंग की बागडोड़ संभालते हुए जलंधर के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए ब्रिज मोहन सूरी ने कहा कि पार्टी में गर्मजोशी पैदा करके पार्टी को आगे ले जाना है। उन्होंने बताया कि अमृतसर से एम्बुलेंस सेवा शुरू की जा रही है और अमृतसर से एक अखबार शुरू करने की योजना भी बनाई जा रही है। पुलिस पब्लिक की मीटिंग करवाई जाएगी, आंखों के निःशुल्क कैंप लगाए जाएंगे, गरीब लड़कियों के विवाह भी करवाए जाएंगे। इन सभी मुद्दों को लेकर पार्टी में सहमति बनी है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सूरी साहब के शहीद होने तो बाद पार्टी को किस तरह आगे चलाना है, रणनीति की रहेगी, किस तरीके दे नाल काम किए जाएंगे, इन्हों मुद्दों के बारे आप गल करने वास्ते इकट्ठे हुए सी, जिदे च काफ़ी फैसले लै ले गए। फैसले यह हुए हैं कि नंबर एक तो अमृतसर तो एम्बूलेंस लई जाएगी शिवसेना टकसाली वालों, और कोशिश की जाएगी कि शिवसेना टकसाली वालों अमृतसर तो न्यूज़पेपर भी निकालिया जाए और लोगों की सेवा वास्ते अगे बढ़िया जाए, पुलिस पब्लिक मीटिंग्स करवाइया जा, कुछ एक अखा के कैंप लगाए जान, अखा दैनक फ्री वंडिया जान, राशन वितरण किया जाए, गरीब लड़कियों की मैरिज की जाए, इन्होंने सारे मुद्दों से सारे की सहमति बनी है और आने वाले काफ़ी जल्दी यानी बहुत जल्दी तुहानू यह नज़र आएगा कि सब कुछ किया जाए। मैं कहना बहुत अच्छी गल है, जे कोई गैंगस्टर या कोई गलत अंसर गलत तरीके दे नाल लाइसेंस लै गया तो वह कैंसल होना चाहिए, जिदा लाइसेंस सही है उन्होंने डरने वाली कि गल है, मेरे को भी लाइसेंस है, मेरा भी रिव्यू होएगा और जो गवर्नमेंट को लगता है गलत है तो कैंसल होना चाहिए। जो ट्रेंड होंगे तो ता ही सुरक्षा कर पाएंगे, बाकी मैं नहीं समझता कि यह जे इन्ने काबल ने कि किसी को सुरक्षित रख पाए, और मैं चाहवागा कि गवर्नमेंट को प्रशासन को एक अपील करना कि जरूर यही सिर्फ शिवसेनानिया की हरेक हिंदू नेता की सुरक्षा होनी चाहिए है, मेरे पत्रकार भरावान की सुरक्षा होनी चाहिए है, क्योंकि इस वे खतरा जन जन में है। अमृतपाल सिंह ना कि भाई अमृतपाल सिंह, अमृतपाल सिंह ये जहर है, जहर ये जहर फैला रहा समाज के।
फिरोजपुर स्पोर्ट्स वेलफेयर सोसाइटी फिरोजपुर कैंट की ओर से निशुल्क क्रिकेट अकादमी का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन भाजपा प्रधान अनुमीत सिंह हीरा सोडी ने रिबन काटकर किया। इस मौके पर हीरा सोडी ने कहा कि फिरोजपुर जिले के कई नामवर खिलाड़ी अपने देश के लिए खेल रहे हैं और इस अकादमी के खुलने से बच्चों में और भी अधिक उत्साह बढ़ेगा। इसके अलावा चल रहे नशे के प्रकोप से युवा पीढ़ी को बचाने के लिए खेलों के प्रति उनका प्रोत्साहन बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए ऐसी संस्थाएं आगे आएं और समाज में अपना योगदान दें। इस मौके पर फिरोजपुर क्रिकेट एसोसिएशन के वरिष्ठ कोच पवन कुमार ने कहा कि फिरोजपुर क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से बच्चों को निःशुल्क कोचिंग देने के लिए पहल की गई है। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि बच्चे इस अकादमी से ट्रेनिंग लेकर नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर अपना और अपने देश का नाम रोशन करें। इस मौके पर रवि कुमार मित्तल, रामदेव, विजय सिंह, अश्विनी कुमार, सुरेश कुमार सहित कई गणमान्य लोग व खिलाड़ी भी मौजूद रहे। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। क्रिकेट अपनी नेशनल स्पोर्ट तो नहीं हैगी, पर नेशनल स्पोर्ट तो भी वड्डी है, क्योंकि हर बंदे हर दिल दे विच क्रिकेट बसती है। तो खास करके जे क्रिकेट दा दुनिया च पहचान हैगी तो इंडिया तो शुरू होंदी है। इंडिया तो बगैर क्रिकेट कितने नहीं हैगी। आई मीन जे इंडिया मिसिंग है तो फिर क्रिकेट खत्म हैगी है। इंडिया, पाकिस्तान, वैसट इंडीज़, इंग्लैंड। तो इत्थे फिरोजपुर दे विच बहुत पुराना एक सुपना सी सारयां दा, क्योंकि इतों खिलाड़ी बहुत आए आ रहे है। आ नवा लड़का जड़ा अर्शदीप है कि ना, अर्शदीप गिल, ही ऑलसो फिरोजपुर नाल लिंक रखता है। फिर फाजिलका तो अपना लड़का शुभम इज प्रोडक्ट ऑफ फाजिलका, बेसिकली फिरोजपुर ही सी, फाजिलका तो हुण बनया। सो एवें करके हुण बच्चों एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा आ गई है, जो इन्हों देख के होर प्रेरणा मिल गई इन्हों कि असी भी अगे वधीए। तो एक जिहड़ी ये वेलफेयर सोसाइटी, स्पोर्ट्स वेलफेयर सोसाइटी, फिरोजपुर वेलफेयर सोसाइटी ने एक बहुत नेक काम किया। आज सारे साथीगण बैठे, मैं किसी का ना लवा तो सारे बैठे इतने जोड़े भी ये रन कर रहे। तो इन्होंने एक बहुत वधिया उपराला इन्होंने किया कि एक स्पोर्ट्स अकैडमी खोल के, क्रिकेट स्पोर्ट्स अकैडमी खोल के, ये बच्चों वास्ते, तुसीं फ्री का वर्ड यूज़ किया, बच्चों वास्ते फ्री है, नॉट फॉर पीपल हु आर सपोर्टिंग इट। इन्हों वास्ते तो पैसे लगते पे है। बठिंडा के नज़दीकी गांव बहमन दीवाना के एक किसान ने प्रेस वार्ता कर अपनी रिश्तेदारी में नज़दीकी NRI भाई पर धक्के से जमीन को जोतने के आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, उसने पुलिस पर भी NRI से रिश्वत लेकर उसकी मदद करने का आरोप भी लगाया है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए किसान स्वर्ण सिंह ने बताया कि उनकी सांची जमीन थी, जिसमें रास्ते के साथ लगती जमीन बांटकर उसे दी गई थी, और अब कई वर्षों बाद रिश्तेदारी में NRI भाई ने पैसे के जोर पर उसकी जमीन को जोतकर उस पर कब्जा कर लिया है और उसके साथ मारपीट भी करवाई गई। इतना ही नहीं, पुलिस ने भी पैसे लेकर उसके भाई की मदद की, जबकि उसकी एक ना सुनी। उसने SSP के माध्यम से पहले शिकायत दी थी, लेकिन उल्टा उसे धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे अदालत और विजिलेंस में इस संबंधी पुलिस और NRI भाई की शिकायत करेगा। वहीं दूसरी तरफ थाना सदर के इंचार्ज गुरमीत सिंह ने कहा कि उनके पास शिकायत दी गई थी कि उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया जा रहा है, अब उसकी जमीन जोतने की बात कही जा रही है। उन्होंने तुरंत पुलिस भेजकर जांच करवाई है, लेकिन वहां पर जमीन जैसी की तैसी है, बाकी कब्जे की बांट का काम माल विभाग का है। सर, मेरी इत्थे रिंग रोड ते जमीन आ 12.5 कनाल दे करीब। पहला जो बंड हुई सी बजुर्गों वेले, वो उन्होंने जी है आप बैक हट पिछे हट मिली राह तो मेरी राह रिंग रोड से हैगी आपकी मर्जी ना लाई पिछले उजाड़े तो गाइया उजाड़ा सगा। हूँ जोड़ा है रेट उत्थे बढ़ गए। एक NRI आ सुखविंदर सिंह उर्फ मंदर, वो मेरी जमीन पर धक्के कब्जा कर फिर बिना तकसीम कराए। वह मेरे साढ़े जेडे बजुर्ग मेरे बाबे उन्होंने जेडे है वो सके सके, तो सारा जोड़ा खाता हैगा सांझा। तो उन्होंने मैं कहा भी एज पर लॉ भी जिमें भी है तकसीम करा लो, पार्टीशन करा लो, और वह कहता भी मैं ये चक्करां च नहीं पैंदा, मैं धक्के पैसे दम तो कुछ मर्जी कर सकता। पर भाई सर, वो NRI आ, मैं उन्होंने मुकाबले 10% वो डॉलर के जेडे है लॉ च जाके वो नहीं कार्रवाई कर रही। मैं उन्होंने कहा जी पार्टीशन एज पर लॉ होगी, तकसीम कराओ, वो जिमें कब्जा फ्रंट बनू, कानून कसा आवे उ अपनी बंड होगी। SHO तो मेरे तो जो पुलिस मुलाजमी उत्ते मौके दे तो मैंने कहना तू नशा किया, मखा भी अज तक मैं कोई हाथ नहीं लाया, मेरा संघ सुक भज देता, मखा भी मेरा दम चढ़िया पाया, पर मैं कोई कार्रवाई नहीं करी। सर,
कल 22 तरीक न स्वर्ण सिंह वालों एक कंप्लेंट आई सी भी मेरी बहमन दवाना डेरे सरसा सरसे वाली ब्रांच हैगी उसके पिछे कोई जगह गई साडा मुश्तरका खाता गा तो उसनू मिति 20 तरीक न किसी ने वाह दिता गा। कल 3 बजे फोन भी आया सीगा पुलिस पार्टी मौके पर गई सी उत्थे जिहड़े बंदे सीगे उन्हां नू असी बुला लिया सीगा पर सानू इन्हां ने कोई लिखती शिकायत नहीं की। लिखती शिकायत रात 8:30 बजे इसने आपदे एडवोकेट नाल लिया के की सी तो उस दी शिकायत ते संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस वालों कानूनी कार्रवाई की गई है। उन्होंने क्या कहें भी असी एप्लीकेशन दिती सी साडे ते कोई कार्रवाई नहीं की तो उल्टा सानू धमका रही है पुलिस नहीं। उन्होंने एप्लीकेशन दिती सी जिहड़ी उहदे मुताबक जिहड़ी पुलिस की कार्रवाई सी वह बनती कार्रवाई करती हैगी। जिमें जमीन पुलिस जदों पुलिस नूं इतलाह मिली है जदों मौके पर गई सी एज इट अज तक भी उमी है तो ऐं रहेगी इस किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की जा। वेखो जदों पुलिस नूं उन्होंने सिर्फ फोन करके दस्या सीगा ते पर कोई लिखती शिकायत नहीं की गई। मिति 20 तरीक नूं फोन किया इन्हां ने कंट्रोल रूम ते उसकी इतलाह ते पुलिस मौके पर गई सी इस नूं मिली सी पर इस नूं शिकायत देने लई भी कहा सीगा इसने कोई शिकायत नहीं की सी। माँ बंगला मुखी धाम नजदीक लम्मा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक माँ बंगला मुखी हवन यज्ञ करवाया गया जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों ने नवग्रह पंचोपचार षोडशोपचार गौरी गणेश कुंभ पूजन माँ बंगला मुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमानों से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहूतियाँ डलवाई तो वहीं इस यज्ञ में उपस्थित माँ भक्तों से आहूतियाँ डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने उपस्थित माँ भक्तों को कहा कि अहंकार के प्रभाव में आने से मनुष्य का विनाश निश्चित है। अहंकार के कारण मनुष्य की बुद्धि व विवेक समाप्त होकर अपने पराये के ध्यान से परे हो जाते हैं। भक्ति के प्रभाव से अहंकार समाप्त होता है। वहीं उन्होंने कहा कि भक्ति के माध्यम से लोगों का जीवन कल्याण संभव है। नवजीत भारद्वाज ने सभी माँ भक्तों से रविवार 27 नवंबर को आयोजित होने वाले संपूर्ण फलदायी मासिक हवन यज्ञ में सपरिवार सम्मिलित होने का आह्वान भी किया। इस अवसर पर विक्रम भसीन अनिल चड्डा रोहित भाटिया गौरव कोहली राजेंद्र कत्याल राकेश प्रभाकर बलवंत बाला रोहित बहल एडवोकेट राजकुमार मोहित बहल अशोक शर्मा विक्रांत शर्मा गोपाल मालपानी राघव चड्डा समीर कपूर अश्विनी शर्मा संजीव शर्मा मुकेश चौधरी संजीव सावरिया मुनीश शर्मा यज्ञदत्त रॉकी पंकज करण वर्मा राजेश महाजन मानव शर्मा राजीव दिशांत शर्मा राकेश ठाकुर बलदेव सिंह साबी लक्की सुनील जग्गी प्रिंस और प्रवीण सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। आज माँ भगवती बगलामुखी जी पीताम्बरा माता जी के दरबार के उत्ते जो कि बगलामुखी धाम के नाम के नाल प्रसिद्ध है गुलमोर सिटी नज़दीक लम्मा पिंड चौंक के नज़दीक स्थित इस माँ के भव्य दरबार के उत्ते अज सप्ताहिक जिहड़ा श्रृंखलाबद्ध हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। दूरों दूरों आई संगत ने माँ के चरणों के हाजिरी लगा के और ठाठा मार की ठंड के सवेरे समय अनुसार पहुँच के दरबार च हवन यज्ञ आहुतियां डालियां। साड़ी माँ के चरणों यही बारंबार अरदास है कि माँ जिहड़ा भी तेरे दरबार से भगत आवे वह अपने जिहड़ियां झोलियां वह खुशियां नाल भर के लैके जाए। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि हर महीने जिहड़ा मासिक हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता वह इस बार 27 तरीक दिन एतवार नूं आ रहा है। सारे मां भगत आके 9 बजे तो 12 बजे तक हवन यज्ञ च आहुतियां डालो और उस तों बाद एक विशाल लंगर भंडारे का आयोजन किया जा रहा वह ग्रहण करो और अपनिया जिन्निया भी मुश्किलां है जो भी अपनिया कामनावां है मां दे चरणां च रखो और महामाई का आशीर्वाद प्राप्त करो। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि अज बहुत दूरों दूरों जिहड़ी संगत आई है बहुत सारी संगत है जिहड़े कारज महामाई ने सवारे है उहदे नाल महामाई दे भगतां च बहुत ज्यादा उत्साह देखण नूं मिल रहा और लगातार जिस तरह सर जमीन हिंद पर अकवा के आलम के फिराक काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया इदां ही इक इक दे नाल कड़ी बनदे बनदे अज भगतां दा समुंदर वंगर ठाठा मारदा हजूम पहुंचदा दरबार ते। आप भी आओ अपने परिवार दे नाल आके दाती दे दरबार ते नतमस्तक होवो और अपनी जिहड़ियां मुश्किलां परेशानियां किसी भी तरह दियां कोई भी परेशानियां दाती दे दरबार ते आओ हवन यज्ञ च आहुतियां डालो और कामनावां पूर्ण करके लैके जाओ।
अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से मां बंगला मुखी जी के साप्ताहिक महायज्ञ का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर दमोरिया पुल में अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध मां बंगला मुखी जी के उपासक श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें संगठन के पुरोहित पंडित चक्र प्रसाद जोशी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर यज्ञ में उपस्थित माँ भक्तों से महायज्ञ में आहुतियाँ डलवाई। इस दौरान श्री श्री 108 महाराज स्वामी जी ने कहा कि माँ बंगला मुखी जी के महामंत्र के जाप से सब बिगड़े हुए कार्य ठीक हो जाते हैं और घर में आ रही हर तरह की परेशानियां दूर होती हैं। इस महायज्ञ में अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के वैभव शर्मा, अमित गुप्ता, पीयूष जैन, मोहित जैन, डॉक्टर मुकेश कुमार सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। माँ भगवती की इस प्रांगण में, इस पवित्र स्थल पे आए हुए सभी संगत का हार्दिक अभिनंदन। माँ भगवती आप सबको दिन दुनी रात चौगी तरक्की दे, आपके हर कार्य में सहाई हो और माँ भगवती आपको अपने सुरक्षा कवच में रखे, आपके जीवन को हमेशा अच्छे कार्यों में और अच्छे जो धार्मिक समागम है उनमें संलग्न रखे और मेन आप सबको माँ भगवती जो आज सबसे बड़ा पाप कर्म पूरे विश्व में फैला हुआ है उस पाप कर्म से दूर रखे, क्योंकि माँ जो होती है वो हमेशा अपने बच्चे को यही आशीर्वाद देती है, यही शिक्षा देती है और यही वो चाहती है कि उसका बच्चा जो है वो नेक बने। और ये माँ भगवती का स्थान है, यहाँ पर आप सबको सिर्फ एक चीज सिखाई जाती है, वो है भाईचारा। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने लॉरेंस बिश्नोई को किया गिरफ्तार, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत मामला किया दर्ज। जालंधर में इनकम टैक्स की ओर से नामी ज्वेलर्स के शोरूम में की गई रेड, अघोषित संपत्ति मिलने की उम्मीद। बठिंडा के बस स्टैंड के नजदीक हुए कत्लकांड में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, वारदात में इस्तेमाल असला किया बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।